सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नंबर जब भी आया ठीक आया, सब्र के अलावा कुछ नहीं है, वही मैंने किया और अंजू भी कर रहे हैं। खुशहाली फाउंडेशन की तरफ से ये खूबसूरत महफिल और मेरे बड़े भाई भीमसेन जी का जन्मदिन, भाभी साहब यहाँ बैठी हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, इतनी देर में तो एक मुक्तक पढ़ लूँगी मैं। एक बार तालियाँ बजाकर दुआएं दीजिए। यकीन मानिए बहुत कुछ सोच के आई थी कि आज मैं विश्वविद्यालय में जा रही हूँ, वहाँ नौजवान नस्ल है, आज मैं वो गज़लें सुनाऊँगी जो मैंने सारी दुनिया को नहीं सुनाई। अभी भी सुना सकते हैं। नहीं नहीं, वक्त कम है, हमें जश्न मनाना है अपने बड़े भाई का। अल्लाह ताला ईश्वर उनकी उम्र दराज करे, ये जोड़ा सलामत रहे। आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, चार पंक्तियां सुनाऊं इचासत एक बार फिर से। ये किसी काम का नहीं होता, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए सारी दुनिया घूमती हूँ, अरंजू भी घूमते हैं, हमारा गजेंद्र भी घूमता है, लेकिन जितने लोग आप हैं ना, बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़े बड़े कवि सम्मेलन मुशायरों में ऐसे सामईन, ऐसे श्रोता नहीं है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब अब शायरी का दौर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जब तक हमारी नई नस्ल जिंदा है, उनके हौसले जवान हैं, शायरी कभी नहीं मर सकती। क्या बात है, वाह वाह। दिल किसी काम का नहीं होता। और सुनिए, गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ। एक एक बार ही पढ़ रही हूँ, और जोशों की तरह तीन चार बार नहीं। अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती। शुक्रिया, बहुत अच्छा है, क्या बात है। तस्वीर देख लेती हूँ, आपने इतना अच्छा सुन लिया, एक और सुना दो मुक्तक। सारे मंजर बदल गए होंगे, सुनिएगा, आप हद से निकल गए होंगे, आग इतनी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से जल है, है। गए हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत सारी मेरी बड़ी छोटी बहनें भाभियाँ नजर आ रही हैं। एक चार पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, नौजवान नस्ल को नस करना चाहती हूँ, और बुजुर्गों से माफी, वो इसलिए कि अगर अमल हो गया तो नुकसान में रहेंगे वो भाई। क्या बात है, जिंदाबाद। तो फिर आप इसमें तजुर्बा कर लीजिएगा। अपनी आंखों को चार मत करना, अपनी आंखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार गिनना,
मत करना, लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। वैसे आज सच बोलने को दिल करता है, ये मशवरा मुझे भी किसी ने 40 साल पहले दिया था, लेकिन क्या करूं, मशवरा है कि प्यार कर लेता। होंठों की भी क्या मजबूरी रहती है, अंजुम को कैसे सुनते हैं मुझे मालूम है। होंठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होंठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। निकटता कुर्बत, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। अब सुनना, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। एक मतलब एक शेर और, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, कितने लोगों को याद है मेरी गजल। अब गाना, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अंजुम की जिंदगी का आईना है ये शेर। बहुत से लोग कह देते हैं कि मेरी जिंदगी का, लेकिन अंजुम सच बोल रही है, सारी दुनिया में बोलती आ रही है। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर, एक बार के मिलने को। अब वो लड़की पढ़ रही थी अनामिका अंबर, कुछ लड़के सीटी बजा रहे थे। अब भाई उसके लिए सीटी बजाना ठीक था हा? एक बार के क्यों, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। और हरिओम पवार जी चले गए, लेकिन एक आत्मा और बैठी है यहाँ, गजेंद्र सोलंकी। ये मेरा छोटा भाई है, इसने भी शादी नहीं की। बड़ा समझाया कि बहू ले आओ भाई, हम कम से कम भाभी तो कहेंगे या ननद बन जाएंगे। गजेंद्र सुन लो, फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, बड़ी बहन का मशवरा है। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को, बुरा नहीं मानना मेरा छोटा भाई है, बीमार समझते। और बतौर तोहफा अंजुम का ये शेर, दाइस से लेकर जहां तक लोग बैठे हैं, देखिएगा। ये ऊंचे घरानों के, ये ऊंचे घरानों के, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को
बहुत शुक्रिया अरुण भाई, मुझे माफ चाहती हूँ। एक कभी अब ठीक है, अब देखो तुम लोग कह रहे हो शुभांशु कहाँ है, तुम तो हमसे मिलने भी नहीं आए, लेकिन तुमने बहुत खूबसूरत महफिल जमाई है, मुबारकबाद आप सबको। अच्छा एक शर्त तो नहीं, गुजारिश, अगर आप सबकी इजाजत हो कि अब ये क्रीम बची है, नकली मकली माल अब कुछ नहीं है, है ना, तो एक मतलब दो शेर सुना दूं। मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत यूपी में जाना होता था एक जमाने में हमारा, आज भी एक मतलब दो शेर सुना दूं, ऐसे इजाजत देते हैं ऐसे। अपनी बातों पे खुद गौर कर लें, क्या बात है, और सोचें ये क्या कह रहे हैं। अपनी बातों पे खुद गौर कर लें, सुना, अपनी बातों मैं खुद गौर कर ले और सोचे ये क्या कह रहे हैं। पहले अपने गरेबां में झांके जो हमें बेवफा कह रहे हैं, पहले अपने गरेबां। अब ये शेर जो मैं गजल सुनाना चाहती हूँ, नौजवान नस्ल बड़ी बहन का तोहफा। पहले अपने गरेबां में झांके जो हमें बेवफा कह रहे हैं, अब सुनिएगा, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं, उनके हालात भी कोई देखे। और अंजुम की जिंदगी का फिर शेर, मेरी बहनों नौजवान नस्ल कभी घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन कभी डिप्रेशन में मत आना, कहते हैं कि बेकअप हो गया, ये हो गया, नहीं नहीं घबराना नहीं, अंजुम ने जिंदगी जी है, जहर को जो दवा कह रहे हैं। अब शेर सुनो, दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचान ये कम नहीं है। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचान ये कम नहीं है, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। दोनों हाथ उठा के ताली मांगता है ये शेर, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक सांवली सी लड़की, 14-15 साल की लड़की को लेकर मैंने ये गीत लिखा था, अब तो वो भी बूढ़ी होने को है,
अस करती हूँ। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, 14-15 साल की लड़की है, ख्वाब देखती है, उसे कुछ नहीं मालूम। पहला ख्वाब, क्या जाने ख्वाब किसका, आंखों में है संभाले, क्या जाने ख्वाब किसका, आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर, मुंह पर लिहाफ डाले। बहुत अच्छा मंजर है, पीछे देख लीजिए कुछ मेरी शायरी से मोहब्बत। कैमरा इधर करें आप, मेरी शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश है। मैं क्या पढ़ रही थी, अब मैं भूल गई ना। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। अब सुनिएगा, क्या जाने ख्वाब किसका, आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर, मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है। एक सांवली सी लड़की। अब आखिर बंद सुना देती हूँ, और मैं अरुण जी को पढ़ना है, गजेंद्र को भी पढ़ना है। मैं आयदा महफिल में जरूर सुना दूंगी। क्या था कि खिड़की से झांकती है, ऐसा होता है, माँ से नजर बचाकर, ऐसा सुनो, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली। दोस्तों, बहुत एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा।